नमस्कार मेरे प्रिय किसान एवं हमारे प्रिय व्यापारी भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी जगह के आलू के भाव के बारे में। साथियों, जैसा कि जानकारी के लिए आप सभी भाइयों को बताते चलें कि हमारे कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई जो आप भाव बताते हो वो क्लियर नहीं बताते हो। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्यों भाव क्लियर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही है भाव बताना। जहां तक होता है मैं भाव आपको क्लियर बताता हूं। दरअसल साथियों, बात ये है कि आजकल क्या है कि क्षेत्र में लगभग अगर आलू के भाव की बात की जाए तो कोई भाव आलू का क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई कोई तो आलू भाई 700 800 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक जा रहे हैं। आलू का जो भाव है वो क्लियर इस समय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से आलू और किसको कौन सा आलू अच्छा लग जाए वो उस भाव में ख़रीद रहा है। सबसे पहली बात ये कि किसान भाई अपना आलू बेचना नहीं चाह रहे हैं, कोल्ड स्टोरों से पर्ची वापस मांगते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं आलू के भाव की। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में आपके आज हुगली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 रुपए आलू डाउन हुआ है। वहाँ पे 550 से लेके 600 रुपए प्रति कट्टा जीती आलू बिक रहा है। अच्छा है तो 620 रुपए भी बिक जाएगा, और आज से पहले मतलब कल वहाँ पे लगभग 650 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा था। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे आलू के दाम में गिरावट इसलिए आई है कि बाहर की मंडियों में जो आलू की डिमांड है वो थोड़ी कम हो गई है। अब साथियों बात करते हैं फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में भाई जहाँ तक जानकारी मिली है वहाँ तक लोगों के जो न्यू आइलैंड आलू हैं वो 800-820-830 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी बिके हुए हैं। लेकिन साथियों जो आम तौर पे बाज़ार हैं वो आपके 700 से लेकर 780-785 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बाज़ार हैं। अब ख्याति और पोखराज आलू की बात करें तो वे आम तौर पे आपके 450 से लेके और 550 रुपये बिक रहे हैं, और जो किसान भाई खरीद रहे हैं ना वो 600 से लेके 700 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी खरीद रहे हैं। भाई साथियों अगर बात करें चिप्सोना आलू की तो वो आपके 685 रुपये से लेकर और 785 रुपये प्रति कट्टा, अच्छा है तो 800 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी बिक रहा है। अब साथियों बात आती है उत्तर प्रदेश के छिबरामऊ की। तो उत्तर प्रदेश के छिबरामऊ में जो ख्याति और पोखराज आलू हैं वो 385 रुपये से लेकर और 420-430 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहे हैं। और न्यू आइलैंड आलू की बात करें तो 600 से लेके 675 रुपये, अच्छा है तो 80-85 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी बिक जाएगा। आपको इसमें कोल्ड वाड़ा अलग से प्लस करना होगा 117 रुपये। अब साथियों बात आती है कन्नौज की। तो कन्नौज के लोगों का कहना है कि जो आलू के भाव हैं वो तो आपके 700 से लेके 750 रुपये प्रति कट्टा न्यू हाईलैंड बिक रहा है, और कोल्ड भाड़ा 125 रुपये आपको अलग से प्लस करना होगा। वहीं बात करें चिप्सोना आलू की, तो चिप्सोना आलू जो है 650 से लेके 700 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बताया जा रहा है। सिंदूरी आलू की बात करें तो सिंदूरी आलू जो हैं वो 600 से लेकर और 700 रुपये प्रति कट्टा, और कोल्ड वाड़ा 125 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से लिया जा रहा है। और चिप्सोना आलू का वहाँ पे जो कोल्ड वाड़ा है वो 150 रुपये लगता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि कन्नौज में जो न्यू आइलैंड आलू हैं वो 900 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी बिके हुए हैं, एक आध गाड़ी जो कि किसान भाइयों ने मिलकर खरीदा है बुवाई करने के लिए। अब साथियों बात करें हम उत्तर प्रदेश के कानपुर की मंडी की। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर की मंडी में जो आपके 37-97 मतलब सफ़ेद जो आलू हैं वो आपके 425 से लेकर 500 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिके हुए हैं। वहीं साथियों अगर हम अब बात करें न्यू हाईलैंड आलू की, तो न्यू हाईलैंड आलू 650 रुपये से लेकर और 700 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिके हुए हैं, और मन 40 केजी का होता है। अब साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जो 37-97 का छट्टा आलू है वो आपका 500 से लेके और 600 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। ये आमतौर पे बाज़ार जो है यही है, और जो एक आध गाड़ियाँ जो हैं 600 से लेके 650 रुपये प्रति कट्टा, और इक्का दुक्का जो भाव हैं वो 700 से लेके और 750 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से भी बिके रहे हैं।
अब साथियों बात करते हैं बिहार समस्तीपुर की। तो बिहार समस्तीपुर में जो आपके C40 आलू होते हैं वो आपके 1350 से लेकर और 1450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहे हैं। अब साथियों बात करते हैं गुरसाईगंज सिकंदरपुर क्षेत्र की। तो गुरसाईगंज सिकंदरपुर क्षेत्र में जो G4 श्रीनाथ आलू होते हैं वो आपके 800 रुपए से लेकर और 850 रुपए प्रति कट्टा सब दाम में बिका हुआ है। वहीं बात करें न्यू हाईलैंड आलू की, तो न्यू हाईलैंड आलू जो आपके हैं वो 700 से लेके और 725 रुपए प्रति कट्टा, ये जो दाम है ये कोल्ड के अंदर का दाम है, बाहर अगर निकाला जाएगा तो 117 रुपए कोल्ड भाड़ा अलग से प्लस करना होगा। अब बात करते हैं ख्याति और पोखराज आलू की, तो वो आपके 500 से लेके और 520-30 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहे हैं, ये भी सब दाम की बात कर रहे हैं। और साथियों क्या है कि जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि वाकई में क्षेत्रों में मतलब कोल्ड स्टोरों में आलू की बिक्री बहुत ही कमज़ोर, हमारे कुछ भाई अब ये कहेंगे अगर आलू की बिक्री कमज़ोर है तो आलू का दाम क्यों बढ़ रहा है और ये आलू फिर बाज़ार में बिक रहा है ये कहाँ से आ रहा है। भाई बाज़ार में जो आलू बिक रहे हैं अभी, अगर आप रिटेल में आलू, मैं आज अपने घर के लिए ख़रीदने के लिए जब गया था तो मैंने चिप्सोना आलू की बात की तो मुझे खुद ही 900 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से चिप्सोना आलू बताया कि भैया 900 रुपये प्रति कट्टा आलू मिलेगा। तो मैंने जब आलू को देखा तो आलू तो बिल्कुल मीडियम टाइप का था, अच्छा भी नहीं था, तो वो आलू 900 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बताया। साथियों ये बात तो सही है कि आजकल कोल्ड स्टोरों में बिक्री बहुत ही कम है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही है, हो रही है पर लेकिन कम हो रही है। किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कि मैं आप लोगों को हमेशा क्लियर भाव बताने की कोशिश करता हूँ भाई। और आप लोगों ने आज अभी वीडियो देखा होगा दिन में, वो वीडियो कल का है, कल का वीडियो इसलिए अपलोड किया है कि उसमें उन मतलब व्यापारी भाइयों ने पहली बार जो बात सही थी वो सही बात पहली बार बताई, इसलिए आपको भी तो जानकारी मिले कि आखिरकार व्यापारी भाई कह क्या रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। हालांकि उन भाइयों ने कुछ ऐसी बात नहीं बताई थी जिससे हम लोगों को कोई नुकसान हो सके। किसान भाइयों तो किसान भाइयों आपके अपने YouTube चैनल पे आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन का निशान आएगा उसे ऑल वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके छोड़ देना, क्योंकि उससे क्या होता है जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल पाएगी और वीडियो आप देख पाएंगे। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका अनुमान क्या है कि आलू कहाँ तक जाएगा, उसके बाद एक आलू के भविष्य पर वीडियो बनाया जाएगा। और आप लोग कहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं या कहाँ का आलू का भाव जानना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। चलिए किसान साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल।